हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम शेयरिंग विद यू वेरी ट्रेंडिंग फ्रॉक डिज़ाइन। वी हैव टेकन 3 meter फैब्रिक। इफ़ यू लाइक माय वर्क सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 fold कर लिया है और अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ पर 4 fold फैब्रिक में 9 inch पे मार्किंग करनी है। जब हम इसको ओपन करेंगे 2 fold में हो जाएगा, तो 18 inch का इसकी जो हमारी वेस्ट है वो 18 inch की हमने रखी है। यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करके इसको कट कर लेना है और इसकी लेंथ हमको 40 inch रखनी है। वो नीचे से भी हमें 40 inch पे मार्किंग करके और इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने इस फैब्रिक की कटिंग कर ली है। सो ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर हमें 15 inch पे मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। यहाँ पर 6.5 इंच पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे और 1/2 inch का डाउन देने के बाद 7 inch का आर्म होल पर मार्किंग करनी है और बस्ट का निशान हमको 9 inch पर लगाना है। 9 inch पे और वेस्ट का मार्किंग हमको 8 inch पे करनी है। इस तरीके से हमको आर्म होल पे शेप दे देनी है और 1.5 इंच का हमको यहाँ पर मार्जिन लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सो ये देखिए, यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सो बैक पार्ट को हमने डबल करके इसके ही ऊपर रख लिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने उस तरीके से कट करना है। जो बैक पार्ट है उसमें से बीच में से हमें अलग कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर से इस तरीके से हमने कटिंग कर ली थी। एक बैक के हमारे 2 parts हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे स्लीव्स कट करने के लिए हमने फैब्रिक को 4 fold कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर हमने 17 इंच पर मार्किंग करनी है। 17 इंच के बाद 3 इंच पे मार्किंग करनी है और फिर इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देना है और कट कर देना है। हम रिस्ट की शेप की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। सो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। जो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी रिमूव कर देना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स रेडी कर लेंगे। स्लीव्स रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर 6 inch का फैब्रिक लिया और उसको एक साइड से फोल्ड कर देना है और उसमें दूसरी साइड इस तरीके से हमें अपना स्लीव्स वाला वो रख के और प्लेट्स डालते जाना है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो छोटी छोटी प्लेट्स भी डाल सकते हैं। मैं इसमें इस तरीके से प्लेट्स डालूंगी। ये देखिए, इस तरीके से आपको पूरे में ही प्लेट्स डाल लेनी है। यहाँ पर हमारी प्लेट्स डल गई हैं। अब हम इसको उल्टा करके इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो जाएगी। हम इस फ्रॉक में स्लीव्स सबसे लास्ट में ज्वाइन करेंगे। सो इस पर भी स्टिच लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से स्टिच लगा कर भी इसको हम रख देंगे और फिर फ्रॉक की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 inch की विड्थ का और 2 inch की डीप का हमको नेक बनाना है यहाँ पर इस तरीके से और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें एक 5 inch का नेक यहाँ पर कट करना है और फिर ये देखिए, पेस्टिंग की हेल्प से हमने इस पे इस कपड़े पे स्टिच कर लिया है
और फिर इस तरीके से इसके ऊपर रख के हमें इस पे स्टिच लगाना है। ये हमारा स्टिच लग गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसमें कट लगाकर इसको पीछे की साइड पलट देंगे इस तरीके से, और इस पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे जिससे कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो जाएगा। अब हमें बैक पार्ट की भी कटिंग इसी तरीके से करना है। यहाँ पर 3 इंच की विड को और 2 इंच का डीप रखना है हमें नेक डिज़ाइन। बैक का भी इसी तरीके से रखना है और ये हमारे इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। सो ये कटिंग हो गई है, ये 2 पार्ट्स हैं। इस पे बीच वाले इस पे ऐसे ए डबल फोल्ड करके आप लोग को स्टिच लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पर स्टिच लगा दी है दोनों ही साइड में। इसी तरीके से हमें स्टिच लगा लेना है। अब इन दोनों के बीच में हम चेन ज्वाइंट करेंगे। देखिए चेन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है। सो जो नीचे का पार्ट है हमें उस पर स्टिच लगा देना है, और फिर उसके बाद जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इतना उस पर हमें चेन लगानी है। ये देखिए यहाँ से हमें चेन ज्वाइंट करनी है। इस तरीके से रख के आप लोग चेन जो है बीच में से खोल लें, और फिर ये एक साइड दोनों ही साइड इस तरीके से आप लोग को बस एक एक स्टिच लगाना है। चेन लगाना बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो ये देखें आप लोग, यहाँ पर हमारी चेन जॉइंट हो गई है। अब हमें शोल्डर्स जॉइंट करने हैं इस दोनों ही पार्ट्स के। ये देख लें आप लोग, यहाँ से दोनों ही पार्ट्स के हमें शोल्डर्स जॉइंट कर देने हैं। दोनों ही शोल्डर्स जॉइंट करने के बाद हमें इसके कॉलर का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर हमारे कॉलर का मेजरमेंट आया है 7.5 इंच, और हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। 8.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और उसका कॉलर कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप लोग का मेजरमेंट जितना भी आएगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमको कॉलर कट करना है, और इस तरीके से इस पर रख के पेस्टिंग की हेल्प से इसको स्टिक कर लेना है और फिर इस पर स्टिच लगाना है। आप लोग को अगर कॉलर बनाने की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे कट किया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसको कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर कट्स लगाकर और इसको उल्टा कर लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद इस पर टॉप स्टिच लगा दिया है। अब हमें ये कॉलर ज्वाइंट करना है, एक साइड से हमें ज्वाइंट करना है इस तरीके से। आप लोग भी इसी तरीके से कॉलर लगाएं। जब हम बैक वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो बीच वाले पार्ट तक आकर आपको इस तरीके से रुक जाना है, और फिर इसको उल्टा करके इसके ऊपर स्टिच लगाना है।
ये देखें आप लोग, यहाँ पर हमने स्पेस स्टिच लगा दिया है और ये बीच वाला पार्ट हमको ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम इसके दूसरी साइड से जो हमारा दूसरा वाला बैक का पार्ट है वहाँ से कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब हम इधर वाली साइड से भी कॉलर स्टार्ट करेंगे, याद रहे बीच से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप लोग साइड से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का कॉलर बहुत ही आसानी से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से पलट दिया है और इस पर भी एक टॉप स्टिच लगा लेना है, जिससे हमारा कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो जाएगा। और जो बीच वाला पार्ट हमने छोड़ा था हमको उस पर भी स्टिच लगाना है। सो याद रहे आप लोग को, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कॉलर कट किया था वो यहाँ बीच में ही एडजस्ट हुआ है। सो मैं आप लोग को इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर जॉइंट हो गया है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहती हूँ। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है हमें उसको इस तरीके से इसमें स्टिच करना है। ये हमारा अपर फैब्रिक है और उसमें इस तरीके से उल्टा करके रख देना है बैक वाला पार्ट और उस पर एक स्टिच लगाना है। यहाँ पर स्टिच लग गया है। अब हम दूसरे ही पार्ट्स ऐसे करके जॉइंट कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट इसी तरीके से हमें जॉइंट करने हैं। अब हमें इस पर टॉप स्टिच लगाना है सीधा करके और फिर इसके बाद हम इसमें साइड में स्टिच लगा लेंगे। आप लोग अपनी फिटिंग के हिसाब से इस पर मार्किंग कर लें और इस तरीके से यहाँ से ऐसे स्टिच लगा लें। ऐसे स्टिच लगाने के बाद अब हम स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे, जो स्लीव्स हमने पहले ही बना के रख ली थी। और फिर इसके बाद हमें जो बॉटम फैब्रिक है, आप लोग चाहें तो उस पर पीको भी करवा सकते हैं या आप लोग चाहें तो नीचे से फोल्ड भी कर सकते हैं। सो चलिए अब स्लीव्स स्टिच करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्लीव्स स्टिच करते हैं। हमने अपनी फ्रॉक को उल्टा करके रख लिया है और स्लीव्स को भी उल्टा करके रख लिया है और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है और गोल गोल घुमाते जाना है। यहाँ पर हमारी स्लीव्स जॉइंट हो जाएगी। सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए इसका फाइनल लुक कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट में बताएँ। बाय बाय।